2024 के लोकसभा चुनावों में एक साल से कम का वक्त बाकी है। विपक्षी एकता की बिसात नीतीश कुमार बिछा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द उत्तर प्रदेश तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या गांधी परिवार की विरासत माने जाने वाली अमेठी और रायबरेली की सीट है। अमेठी से 2019 में राहुल गांधी चुनाव हार चुके हैं और अब ना तो राहुल गांधी की और ना ही गांधी परिवार की कोई दिलचस्पी अमेठी में बची है। सोनिया गांधी के चुनाव लड़ने की संभावना न के बराबर है। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद रहीं। इस बैठक में अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर पार्टी की रणनीति और प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव लड़ने पर चर्चा हुई। सूत्रों का कहना है कि नेहरू गांधी परिवार का कोई भी सदस्य इस बार अमेठी से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा। अमेठी सीट को लेकर परिवार और कांग्रेस पार्टी की अब कोई खास दिलचस्पी नहीं रह गई है। महागठबंधन होने पर कांग्रेस अमेठी की सीट को लेकर प्रभावशाली तरीके से दावेदारी भी नहीं करेगी। ज्यादा संभावना इस बात की है कि महागठबंधन होने पर कांग्रेस ये सीट सहयोगी दलों के लिए छोड़ सकती है। वहीं रायबरेली सीट को लेकर पार्टी अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। कांग्रेस की बैठक के बाद सूत्रों का कहना है कि गठबंधन होने के बाद भी रायबरेली सीट से अपना उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस सोनिया गांधी के चुनाव लड़ने पर भी अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। सोनिया चुनाव नहीं लड़ी तो नेहरू गांधी परिवार का कोई भी करीबी रायबरेली से कांग्रेस का उम्मीदवार बनेगा। सोनिया गांधी के साथ हुई पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक में ये फैसला लिया गया कि प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर सूत्रों की ओर से दावा किया गया है कि वह आगामी चुनाव नहीं लड़ेंगी। बैठक में फैसला लिया गया है कि वह आगामी चुनाव में सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहेंगी। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया जब खबर है कि वह यूपी इकाई के प्रभारी का पद छोड़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।